तख्त लाहौर पर कब्जा जमाने के लिए शहबाज शरीफ फिर मुतहरिक हो गए। परवेज इलाही के खिलाफ एतमाद के वोट पर ख्वाब बुनना शुरू कर दिए। लीगी अरकान कितने हैं, नंबर गेम क्या है? पार्टी रहनुमाओं की ब्रीफिंग के बाद वजीर आजम के जहन में फिर हॉर्स ट्रेडिंग का मनसूबा घूमने लगा। लाहौर को ही मस्कन बना लिया। हम कितने हैं, तगा कितने दे सकते हैं, फ्लोर क्रॉस करने वाले कितने हो सकते हैं? वजीर आजम शहबाज शरीफ एक बार फिर तख्त लाहौर पर काबिज होने का मंसूबा बनाने लगे। परवेज इलाही के खिलाफ एतमाद के वोट के बाद सियासी करवट कैसे लेनी है, बसात कैसे जमानी है? ब्रीफिंग लेने के बाद पार्टी रहनुमाओं को अहम हिदायत दे दी। शहबाज शरीफ ने PTI मुनहरिफ अरकान को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करने का प्लान शेयर कर दिया। लीगी क्यादत को रूठे इंसाफियों से राबते बढ़ाने का हुक्म दे दिया। साथ ही अपने अरकान पर भी नजर रखने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की सेर क़यादत इजलास में फैसला किया गया कि वजीर आला एतमाद का वोट नहीं लेते तो अदालत से रुजू करेंगे। सराय के मुताबिक लाहौर में डेरे डाले शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के दरमियान मुनहरिफ कारकुनों को इस्तेमाल करके हॉर्स ट्रेडिंग पर भी गुफ्तगू हुई। 2022 बॉर्डर तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर वन। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।